माटी रंगा हो आज मेरे दिया घर आएंगे, आज मेरे दिया घर आएंगे। चाचा चलो मेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजा आनंदी, मुझे माफ कर देना, पर मैं वादा करता हूं तुमसे जो छीना है उससे कहीं ज्यादा लौटाऊंगा। इतनी खुशियां दूंगा जो आज तक कभी किसी ने किसी को नहीं दी होंगी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग, मोजड़े हम खुद ही निकाल लेंगे आप। हाँ प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ये रीत है हमारे यहाँ की, समधियों का स्वागत इसी तरह से किया जाता है। Thank you.
स्वागत है आप सब लोग। धन्यवाद। वैसे एक बात कहूं, आज आप इन फूलों से ज्यादा सुंदर लग रही हैं। चलिए चार ही दिनों में इतना शानदार इंतजाम कर दिया है कि क्या कहूं। मतलब ऐसी तैयारियां, ऐसी सजावट, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। अभी तो आपने कुछ भी ना देखो, बहुत कुछ है हमारे पटारे में, आप देखते जाओ बस। लोगों ने तो बाकी कमाल कर दिया बाबा जी। चलें अब। कल्याणी जी, आपकी तरफ से ये स्वागत सत्कार देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं के राजा महाराजा हैं हम। ऐसा है संभीसा कि हमारे लिए आनंदी किसी राजकुमारी से कम ना है। तो जिस घर जावेगी वहां भी तो राजे महाराजे ही हो सके ना। वाह, क्या बात कही है माँ जी आपने। आपसे जीत पाना तो बहुत मुश्किल है कल्याणी जी। इनसे मिलिए, मैं आनंदी के बापू खजानसा। ओहो, अच्छा अच्छा। मैं शिव का दद्दू और ये हमारा परिवार। वैसे दादी जी, फंक्शन शुरू होने में भी थोड़ा वक्त है ना। हाँ, पर काई? वो क्या है कि मैं आनंदी के लिए कुछ खास लाया।
पता है पता है, अंगूठी लाया है। सड़क कर बेटा। No दादू, it's not just a ring. मैं और भी कुछ लाया हूँ, something very special. भीम सिंह, नमस्ते। नमस्ते। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। अरे बिंदी साहब, सुमित्रा जी, हमारी बिंदरी सुमित्रा, आनंदी की माँ, हमारे भैरों की घरवाली। आज इतनी दूर बैठकर भी ये खुशी का दिन देखने का मौका मिल रहा है मुझे, सिर्फ आपकी वजह से कवर सा। उस दिन आप ही ने तो इस डब्बे में बुलाकर आमने सामने कैसे बात करनी है ये सिखाया था आनंदी के बापू को। अगर आपने नहीं सिखाया होता तो अपनी लाडो के लिए जिस दिन का न जाने कब से इंतजार कर रही हूं मैं, वो दिन अपनी आंखों से देख ही ना पाती। बहुत बड़ा उपकार किया है आपने इस माँ पर। मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया, the pleasure is all mine. और वैसे भी ये सब मैंने ऐसे ही नहीं किया है, इसके बदले में मुझे आपका आशीर्वाद भी तो चाहिए। वैसे कवर साहब एक बात कहूं, लग बहुत अच्छे रहे हैं आप, बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह, प्रभिले, शानदार, और वो क्या कहते हैं उसे, हाँ हाँ, स्मार्ट भी। बहुत अच्छी लगेगी आपकी और मेरी लाडो की जोड़ी, नजर ना लगे मेरे कवर साहब को। वैसे मेरे ख्याल से आप कुछ भूल रही हैं। क्या? आपको याद है आपने मुझसे कहा था कि जिस दिन मैं आपके परिवार का हिस्सा बन जाऊंगा आप मुझे आप नहीं कहेंगी? ठीक है, आज से आपको आप नहीं बुलाऊंगी मैं। अरे फिर आप? बेटा साक साथ तो जाने कब मिलन हो बेगो सुमित्रा से, अरे डिब्बे में बैठी अपनी सासू माँ से मिलवा देना सबको। हाँ, ये मेरी छोटी माँ है। नमस्ते। ये मेरी माँ। नमस्ते। ये दद्दू और ये पापा। कल्याणी जी ने बताया कि आप यूएस में हैं इनकी बड़ी बहन की देखरेख के लिए। मैं समझ सकता हूं कि अपनी लाडली आनंदी की सगाई में शामिल न हो पाने का कितना अफसोस हो रहा होगा आपको, मगर बहू हो तो आप जैसी, आप ही के कारण हमें इतनी अच्छी बहू मिली है आनंदी, बिल्कुल आप जैसी सुंदर सुशील। सुमित्रा जी, अगर आज आप यहाँ होती तो हमें बहुत अच्छा लगता। नहीं, आप सबके साथ ही हूँ मैं, देखिए ना सगाई के लिए कितना सज धज कर बैठी हूँ। समधन सा और समधी सा से कुछ कहना था मुझे, आज मेरी लाडो आपके घर का हिस्सा बनने जा रही है।
जन्म तो ना दिया है मैंने उसे, पर साची कहूं जिस दिन से आनंदी मेरे घर आई उस दिन से उसे अपनी बेटी मान लिया मैंने, और जितना हो सका उतना लाड प्यार देने की पूरी कोशिश की है उसे। अब बस यही उम्मीद करती हूं कि आपके घर में भी बहुत प्यार मिलेगा उसे, इस घर से भी ज्यादा। इतना कि इस माँ को भूल जाएगी वो। सुमित्रा जी देखिए, मैं ये वादा तो नहीं कर सकती कि हमारे प्यार के सामने आनंदी आपको भूल जाएगी, पर हाँ इतना विश्वास जरूर दिलाती हूँ आपको कि आपकी लाडो को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं हुई। सुमित्रा जी मैंने सुना है कि आनंदी बिल्कुल आपकी छवि है, और क्यों ना हो, उस कच्ची उम्र में आपने ही तो ऐसे संस्कार दिए, इतनी अच्छी तरह पाला पोसा कि आज आनंदी न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी है बल्कि उसने अपने लिए एक नई पहचान भी बनाई है। अपनी मेहनत से इतना सब कुछ हासिल किया है कि लोग जिसे हासिल करने के लिए उम्र गुमा देते हैं। सुमित्रा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे आपको, ना आपको और ना ही आनंदी को। Absolutely right. किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं, क्योंकि इस घर के बड़े तो ग्रेट है और छोटे भी किसी से कम नहीं है। माही? जी हाँ, मैं। सरप्राइज। मेरे हैंडसम तत्तू, आपने मुझे मिस किया कि नहीं? ये भी तो सवाल हुआ। बड़े पापा आ गया मेरा चैंपियन। बड़ी माँ बहुत अच्छा किया जो चलाया। मॉम आई एम बैक। मैंने तो कहा था कोई प्रोजेक्ट आ गया है, नहीं आ पाऊंगा। मैं जानता हूँ मॉम, मैंने कहा था, लेकिन आप ही मुझे बताइए, मेरे इकलौते और प्यारे भैया की एंगेजमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई काम हो सकता है भला? नहीं ना। तो बस मैंने बीच रास्ते से ही बाइक टर्न की और आ गया। इतनी दूर तो बाइक पर आया है? जी दद्दू, वो भी सही सलामत। पूरे रास्ते हेलमेट पहन रखा था मैंने, और बाइक की स्पीड भी कंट्रोल में थी। कितना कहा आपसे मैंने दीदी, इसे मत दिलाइए मोटरसाइकिल, ये उसे भी हवाई जहाज बनाकर उड़ा देगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ, एक बार आप मेरे साथ बैठ के तो देखिए। क्यों बड़ी, आप तो मेरे साथ बैठी है ना, आप भी मम को बताइए ना मैं कितनी अच्छी तरह बाइक चलाता हूँ, बिल्कुल सेफ एंड साउंड। बेटे वो बात नहीं है, माँ का दिल है फिक्र होती है। अरे से कितनी बार कहा है, हाईवे पे बाइक चलाना रिस्की होता है, ये कहा किसी की सुनने वाला है। प्लीज बड़े पापा, अब आप लोग मेरी खिंचाई करना बंद कीजिए, अब मेरी होने वाली भाभी की फैमिली के सामने मेरी रेपुटेशन तो खराब मत कीजिए। ये शिव का छोटा भाई है, मीनू का बेटा माही। नमस्ते। खुश रहो। कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा लगा तुझे यहां देखकर। बस इसलिए तो मैं आ गया। वैसे
मेरी होने वाली भाभी का है। किसी भी व्यक्ति के लिए तलाक के बाद फिर से नए जीवन में प्रवेश आसान नहीं होता, क्योंकि विगत जीवन की यादें उसका पीछा ही नहीं छोड़ती।